हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्क्रीनर ईओडी की स्ट्रेटजी इतनी रिफाइंड है कि इसकी परफॉर्मेंस आप जो है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। लास्ट के 10 दिनों की परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। ये स्क्रीनर जो हमारा, इसके अंदर जो स्ट्रेटजी दी गई है, इतनी सारी स्ट्रेटजी दी गई है और इतनी रिफाइंड स्ट्रेटजी है कि आप एवरी स्कैन जो है टिप्स की तरह काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, जो हमारा बेस्ट स्कैन है, जो दोस्तों हम जैकपॉट 2 को बोलते हैं, जैकपॉट 1 को बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को जैकपॉट 2 का परफॉर्मेंस जो है लास्ट के 5 से 7 दिनों का परफॉर्मेंस कंटिन्यूस दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर आवर वीडियोज़। दोस्तों आप लोग जो है जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि ये रिफाइंड स्कैन जो है इतनी रिफाइंड है कि ये स्टॉक आइडियाज और टिप्स की तरह काम करता है दोस्तों। इतने सस्ते रेट में दोस्तों आपको मार्केट में टिप्स कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे जितना से जितना शेयर करेंगे, सारे लोग इस स्क्रीनर का फ़ायदा उठा सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जैकपॉट 2 की परफॉर्मेंस। देख सकते हैं दोस्तों, ये तो कल का स्कैनिंग है। अब आपको इसके बैक डेटेड स्कैनिंग दिखाते हैं। मान लीजिए मंडे से दिखा रहे हैं, 1 तारीख का दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। फिर मैं आपको 2 तारीख के स्कैनिंग का दिखा रहा हूँ परफॉर्मेंस दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है। रिकमेंडेड प्राइस भी दिया हुआ है, LTP भी दिया हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों। 3 तारीख का दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है। इसके पीछे मैं बैक डेट अक्टूबर में चलता हूँ मैं, आपको 29 तारीख का परफॉर्मेंस, चूँकि सेम स्टॉक आ रहा है, क्योंकि कोई स्कैनिंग उस दिन नहीं आई है इस बॉक्स में। 28 तारीख का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 27 तारीख का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 26 तारीख का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्कैनिंग जो है टिप्स की तरह काम करती है, जो आपको कोई भी मार्केट में इस तरह का स्कैन नहीं है जो इतनी रिफाइंड हो कि 1 से 2 स्टॉक्स आपको जो है रिफाइंड करके दे, 4 स्टॉक रिफाइंड करके दे दोस्तों, जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत है। आप बाई कीजिए और उसे 0 to 5 डेज होल्ड कीजिए, मंथ में मंथ एक 20 दिन भी रख सकते हैं, मंथ के एंड तक भी रख सकते हैं। आपको 5 से 10% का फ़ायदा श्योर शॉट होगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रह रही है दोस्तों। तो ये है मनी ट्री रोबो की खासियत, जो आपको इतनी आसानी से आप बैक डेटेड परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं कि किस बॉक्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। हमारे समझ से जो है, हमने जहाँ तक टेस्ट कर पाए हैं, जैकपॉट 1, जैकपॉट 2, ऑल जैकपॉट, सुपर डुपर जैकपॉट, ये 4-5 स्टॉक्स हैं। सपोर्ट 1, इसकी परफॉर्मेंस वीकली पोर्टफोलियो, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। वीकली पोर्टफोलियो, इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है, जो आपको लास्ट के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है मंड। आप यहाँ देखिए, वीकली पोर्टफोलियो मैंने दिखाया 1 तारीख का, आप देखिए कितना से किस तरीके से बढ़ा है और घटा है दोस्तों, आप इससे पता चल सकता है आपको। 2 तारीख का, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है आसानी से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको मार्केट में ट्रेड करने में। आपको हमेशा जो है नेट रिजल्ट आपको प्लस में देगा दोस्तों, अगर आप इसे हमेशा यूज करते हैं। आपको किसी दूसरे ऐप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, इतनी स्ट्रेटजी रिफाइंड है कि आपको टिप्स की तरह काम करता है। ये है मनी ट्री रोबो की खासियत दोस्तों। और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैंने कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों,
तो इस तरीके की रिफाइनमेंट है, इसके अंदर इतनी सारे बॉक्सेस दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं कितनी रिफाइंड होके स्टॉक्स आ रहे हैं, एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, कि जिस बॉक्स से आप खरीदिए दो से तीन स्टॉक खरीद के रख लीजिए, 4 से 5 दिन रखिए, आपको नेट फायदा नहीं हो तो फिर बताइए। ये है मनी ट्री रोबो की खासियत दोस्तों। हाँ, एक दो दिन हो सकता है कि जब मार्केट अचानक सा फॉल करे तो आपका स्टॉक आ सकता है 4 से 5%, मत 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, 5% से ज़्यादा लॉस आपको नहीं जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मार्केट सपोर्टिव रहेगी तो वो स्टॉक सबसे ऊपर चलेंगे, तेज चलेंगे इस बॉक्स की स्कैनिंग की। ये है मनी ट्री रोबो की खासियत दोस्तों। तो मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों, ऊपर नीचा चलते रहता है, आपसे उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक टूल है, जिसके अंदर आपको इतने रिफाइंड होके स्टॉक की आइडियाज आते हैं, जिसके बल पर आप ब्लाइंडली इसे फॉलो कर सकते हैं और इसे अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक मत चूज कीजिए, 3 से 4 स्टॉक किसी बॉक्स से चूज कीजिए और उसे 0 to 5 days, 10 days रखिए, फिर देखिए इसका कमाल। तो ये है मनी ट्री रोबो की खासियत दोस्तों, जो आपको हमेशा मार्केट से आगे लेके जाएगा, हमेशा बीट करेगा दोस्तों। दैट्स ऑल दोस्तों।